इतना खर्च मिल रहे हैं। ये सरकार का फैसला है और ये जो सरकार का फैसला है वो छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं, भारत सरकार का फैसला है। भारत की सरकार का ये कहना है कि ये जो चिकित्सा का खर्च होता है ये बजट का घाटा बढ़ा है और सरकार का ये मानना है कि हम जो चिकित्सा पे खर्च करते हैं इसमें से हमें वापस कुछ नहीं आता। तो सरकार का ये कहना है कि घाटे का कोई काम हम 2009 के बाद नहीं करेंगे, कोई भी काम जो घाटे का है वो सरकार नहीं करेगी। तो सरकार ने तीन क्षेत्र चुने जो 2009 के बाद सरकार उनको छोड़ने वाली है। पहला चिकित्सा का क्षेत्र है, इसमें बजट का कोई पैसा नहीं आएगा। दूसरा क्षेत्र उन्होंने चुना है शिक्षा का। 2009 के बाद इस देश के स्कूल और कॉलेज के लिए कोई फंड नहीं दिए गए सरकार की तरफ से। जितने भी स्कूल कॉलेज चलेंगे सबको अपने पैसे खुद इकट्ठे करने पड़ेंगे, जिनको वो कहते हैं सेल्फ फाइनेंस्ड या स्ववित्त पोषित, अपने ही व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी सभी स्कूल और कॉलेजेस को, इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज। विश्वविद्यालयों को सरकार कह रही है कि फंड्स नहीं मिलेंगे 2009 के बाद। इंटरमीडिएट कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, किसी को भी पैसे नहीं आएंगे 2009 के बाद, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि शिक्षा का जो खर्च है इसमें से सरकार को वापस कुछ नहीं मिलता। और एक तीसरा क्षेत्र है कृषि का क्षेत्र, जो 2009 के बाद सरकार कह रही है कि हम वहां भी कोई पैसा खर्च नहीं करेंगे। अब चिकित्सा है, कृषि है और शिक्षा है, ये तीन क्षेत्रों में भारत सरकार एक पैसा भी खर्च नहीं करेगी, ये सरकार ने तय कर लिया है। आप बोलेंगे ये मनमोहन सिंह की सरकार ने तय कर लिया, ऐसा नहीं है, सभी सरकारों ने तय कर लिया है। मनमोहन सिंह की सरकार है ये तो संयोग है, अगर यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार होती तो भी ये होने वाला है। और अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की जगह मान लीजिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार बनाए सीपीएम की और ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बना दे तो भी ये फैसला है। ये फैसला आया कहां से है? ये फैसला भारत सरकार की एक मजबूरी में से आया है और इस मजबूरी का नाम है WTO एग्रीमेंट, विश्व व्यापार संगठन समझौता। हमारे देश की सरकार ने एक WTO एग्रीमेंट साइन किया है, हम सब जानते हैं, 1994 में। और इस WTO एग्रीमेंट में 2000 शर्तें हैं, उनमें से एक शर्त यह है कि इस पूरे के पूरे समझौते को 2009 के साल तक लागू कर दो। तो सरकार उसको धीरे धीरे लागू कर रही है, 2009 में वो पूरा लागू होना है। तो पूरा लागू होने के लिए 2000 शर्तें उसमें हैं, तो उनमें से एक शर्त यह है कि भारत की सरकार ऐसा कोई काम ना करे जिसमें लाभ ना हो, जिसमें रिटर्न ना हो, ऐसा कोई काम ना करे। क्यों? अगर सरकार ऐसा कोई काम करती है जिसमें लाभ नहीं होता, रिटर्न नहीं होते हैं, तो वो काम जो है बजट का घाटा बढ़ता है, बजटरी डेफिसिट उससे हो जाता है, फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है, रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ता है, फाइनेंशियल डेफिसिट बढ़ता है। तो सरकार ऐसा कोई काम ना करे जिससे बजट का घाटा बढ़े। तो सरकार ने सूची बनाई है कि ऐसे कौन कौन से काम है जो हमको बंद करने पड़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला काम है चिकित्सा का खर्च। सरकार ये कहेगी कि 2009 के बाद जो कुछ भी इस देश में होगा वो प्राइवेट कंपनियों के द्वारा या निजी संस्थाओं के द्वारा या निजी अस्पतालों के द्वारा या निजी डॉक्टरों के द्वारा, यही सब के द्वारा जो होगा वो चिकित्सा का खर्च है, सरकार का खर्च उसमें शून्य होने वाला है। शिक्षा में वो ये कह रहे हैं कि जो निजी कॉलेजेस चल रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, सिर्फ वही काम करेंगे। सरकार के द्वारा चलने वाले सभी कॉलेजेस और स्कूल्स को कहा जा रहा है कि आप 3 साल के अंदर अपनी व्यवस्था कर लो। बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल्स को फंड्स तो बिल्कुल बंद हो गए हैं और आपकी जानकारी के लिए नए स्कूल्स खुलना बंद हो गए हैं। सभी राज्यों में नए स्कूल खोले नहीं जा रहे हैं। सरकारों को आदेश है ऊपर से, राज्य सरकारों को, कि आप कोई भी नया स्कूल ऐसा मत खोलिए जिसमें सरकार का पैसा जाए। किसी को स्कूल खोलना है तो उसको कहिए तुम तुम्हारी ताकत से स्कूल चला सकते हो तो करो, सरकार उसमें कोई मदद नहीं करेगी। तो चिकित्सा, शिक्षा और कृषि। कृषि में सरकार कह रही है कि किसान मरे या जिंदा रहे हमें इससे मतलब नहीं है, किसानों के लिए हम पैसा खर्च नहीं कर सकते।
तो अब सरकार के सामने दूसरा विकल्प क्या है, चिकित्सा शिक्षा ये तो बंद कर दो, इसमें सरकार का खर्चा मत करो, सरकार का खर्चा कहीं और करो जहां से इनकम हो। तो कहां करो, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स खुलवा दो, वहां से इनकम होने वाले हैं, तो शॉपिंग मॉल्स खोले जाएंगे, तो सरकार के पैसे से शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे, डिपार्टमेंटल स्टोर्स खुलेंगे, होटल्स खुलेंगे, लेकिन स्कूल नहीं खुलेंगे, हॉस्पिटल खुलेंगे, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं खुलेंगे जहां 10 रुपए में आप दवा पाते हैं, हॉस्पिटल ऐसे खुलेंगे जहां 10,000 रुपए में आपकी चिकित्सा हो, एस्कॉर्ट खुलेगा लेकिन सरकारी दवाखाना नहीं खुलेगा। एस्कॉर्ट में आप जाइए, 50,000 खर्च करिए, 5 लाख खर्च करिए, ये सरकारी दवाखाने में आकर हम जो अभी इलाज करा लेते हैं ना कि हमारा पैथोलॉजिकल टेस्ट 50 रुपए में हो जाता है, किसी भी सरकारी दवाखाने में हम जाए तो खून की जांच हो जाती है, पेशाब की जांच हो जाती है, कुछ भी जांच आप करा लो 50 रुपए में। अब ये नहीं होगा 2009 के बाद अगर खून की जांच करानी है तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, 10,000 खर्च करिए, 20,000 खर्च करिए, जांच कराइए। अभी हम सरकारी दवाखाने में जाते हैं और मुझे कोई चेस्ट इन्फेक्शन है और एक्सरे निकलवाना है तो अभी भी 25-30 रुपए में निकल आता है, तो सरकार कह रही है 2009 के बाद ही बंद हो जाएगी। आपको एक्सरे निकालना जरूर निकालिए, किसी बड़े हॉस्पिटल में जाइए। सरकार का ये स्टैंड है कि हम अपनी तरफ से चिकित्सा के लिए, शिक्षा के लिए और कृषि के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें से रिटर्न नहीं आते हैं, लाभ नहीं मिलता है। हम पैसा खर्च करेंगे वहाँ जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, यहाँ से पैसा मिलेगा, हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने हैं, उसमें पैसा लगाना है, वहां से हमें रिटर्न्स मिलेगा, हमें बहुत बड़े बड़े एरिया मल्टीनेशनल कंपनीज को बेच देने हैं क्योंकि वहां से रिटर्न्स मिलेगा। तो सरकार अभी हो गई है व्यापारी, एक शब्द में मैं ये कहूँ, व्यापारी वही करता है जहां से लाभ की उम्मीद हो, व्यापारी ऐसा कोई काम नहीं करता जहां लाभ ना मिले, लाभ नहीं मिले तो वो धर्मार्थी काम होता है। तो सरकार अपना धर्मार्थी स्वरूप 2009 में खत्म करने जा रही है और हमारे संविधान में एक शब्द लिखा हुआ है, उसको खत्म करने की पूरी तैयारी है, वेलफेयर स्टेट नहीं रहेगा अब ये देश 2009 के बाद। और केंद्र सरकार ने इसके लिए सर्कुलर भेजना शुरू कर दिया है। अभी थोड़े दिन पहले मुझे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जाने का मौका मिला तो मैंने वो सर्कुलर पढ़ा। वहां के डायरेक्टर ने मुझे कहा, देखो राजीव भाई, आप बोलते थे ये बात 1998 में, अभी ये हमारे सामने आ गई। मैंने ये कभी 1998 में कहा था कि अगर WTO एग्रीमेंट लागू होगा तो ये चीज होने वाली है, तो वो कहते हैं हाँ आपने हमको 98 में बोला था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये हो रहा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में चिट्ठी आ गई है कि अगले साल से पगार को छोड़कर कोई भी फंड नहीं आएंगे। वो कहते हैं कि हमको रिसर्च करनी है, उन्होंने कहा रिसर्च आप मत करो, प्राइवेट कंपनियां रिसर्च करेंगी, जरूरत है तो खरीद लो। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जो चिट्ठी आई है वैसी ही चिट्ठी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आई है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आ गई है। और जब मैंने इसका कंफर्मेशन किया तो भारत के फाइनेंशियल सेक्रेटरी बोलते हैं कि ये बिल्कुल सच है, 2009 के बाद फिस्कल डेफिसिट बढ़े, फाइनेंशियल डेफिसिट बढ़े, बजटरी डेफिसिट बढ़े, ऐसा कोई काम सरकार नहीं करेगी, माने सेवा के सब काम, कल्याण के सब काम सरकार अब बंद कर देगी। अब प्रश्न उठता है कि जब भारत की सरकार ये सब बंद कर देगी तो लोगों का क्या होगा। आज हमारे भारत देश की जो परिस्थिति है वो ये कि 110 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं, इनमें से पूरी ताकत लगा के मात्र 33 करोड़ लोग ही हैं जो चिकित्सा ले सकते हैं, मात्र 33 करोड़, और वो तीनों चारों पांचों सब तरह की चिकित्सा ले सकते हैं, एलोपैथी की ले सकते हैं, होम्योपैथी की ले सकते हैं, आयुर्वेद की ले सकते हैं, नेचुरोपैथी की ले सकते हैं, योग प्राणायाम सीख सकते हैं। 33 करोड़ लोगों की ही ताकत है कि वो कोई भी चिकित्सा ले सके, बाकी के जो 77 करोड़ लोग हैं उनके पास तो कोई भी चिकित्सा लेने की ही ताकत नहीं। अब चूंकि उनकी चिकित्सा लेने की ताकत नहीं है तो वो ओझा के पास जाएंगे, दुनिया के पास जाएंगे, किसी न किसी के पास जाएंगे, उसमें उनकी मजबूरी है। अब हम उनको ये बोले कि वो मूर्ख है, महामूर्ख है, वो एक अलग विश्लेषण हो सकता है, लेकिन उनकी ताकत ही नहीं है,
कि वो रायपुर शहर तक आ सके और कोई चिकित्सा करवा के अपने गांव वापस जा सके, क्योंकि ये जो 77 करोड़ लोग हैं इनके बारे में भारत के राष्ट्रपति महोदय जो वर्तमान में डॉक्टर अब्दुल कलाम है, उन्होंने एक सर्वे कराया और इस सर्वे को लेकर वो सांसदों के साथ बहुत बार बात कर चुके हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकल पाया। डॉक्टर अब्दुल कलाम का 5वां साल है ये और थोड़े दिन में वो रिटायर होने वाले हैं, दोबारा चुने जाएंगे मालूम नहीं, लेकिन 5 साल में उन्होंने एक सर्वे जरूर करा दिया है इस देश को आईना दिखाने के। उन्होंने जो सर्वे कराया है वो ये बताता है कि 77 करोड़ लोग भारत में इस स्थिति में रहते हैं जिनको रोज पीने का शुद्ध पानी नहीं मिलता है, और 77 करोड़ लोगों में डॉक्टर अब्दुल कलाम के सर्वे के अनुसार 25 करोड़ लोगों की ताकत इतनी कम है जो एक दिन में 15 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते। 25 करोड़ लगभग 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एक दिन में 1.5 रुपया खर्च नहीं कर सकते, और 10 करोड़ लोगों की गरीबी इतनी भयंकर है जो एक दिन में 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकते, उनको 2 समय खाने का कभी भी भोजन नहीं मिलता। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने ये जो सर्वे कराया वो इंडियन स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट की मदद से कराया, और वो सर्वे बोलता है कि भारत में कुल 21 करोड़ परिवार हैं, उनमें से 14 करोड़ परिवारों के पास झुग्गी झोंपड़ियां हैं, घर भी नहीं है, जिनको घर कहा जाए ऐसी स्थिति में भी वो नहीं रहते, तो वो झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं। तो इतनी भयंकर गरीबी में इस देश के 77 करोड़ लोग रहे हैं, उनकी चिंता है कि वो क्या करेंगे 2009 के बाद। अभी तो हम ये मान लेते थे कि कहीं प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, सरकार का दवाखाना है, वो वहां जा सकते हैं, 2-5 रुपए की गोली मिल गई, डॉक्टर ने उनकी मदद कर दी, तो कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन 2009 के बाद वो भी खत्म होने वाला है। भारत की सरकार मालूम है सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर को रिलायंस को सौंपने जा रही है, टोटल प्राइवेटाइजेशन, रिलायंस चलाएगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर को। अब रिलायंस वालों से मैंने पूछा आप कैसे चलाएंगे, तो उन्होंने कहा हम ये सब प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को हॉस्पिटल में बदल देंगे। तो ठीक है हॉस्पिटल में तो बदल देंगे, फीस का क्या होगा, बिना फीस के इलाज होगा, उन्होंने कहा नहीं फीस तो लेनी पड़ेगी, मिनिमम 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए से कम में तो हम चला नहीं पाएंगे कोई भी हॉस्पिटल, क्योंकि हमें डॉक्टर रखना है उसको 10,000 की पगार देनी है, 5 डॉक्टर रखने हैं 50,000 की पगार देनी है, हॉस्पिटल बढ़िया बनाना है, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, एयर कंडीशनर उसमें, लिफ्ट की लगानी है, सब कुछ फैसिलिटीज देनी है, तो 500-1000 रुपए फीस तो देनी ही पड़ेगी। तो माने गाँव का गरीब आदमी जो 10 रुपए फीस देके कभी कल्पना करता था कि इलाज करा ले, वो अब संभव नहीं है। सरकार की योजना है कि अगर सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर को रिलायंस ना चला सके तो अपोलो को दे दो, कुछ एस्कॉर्ट्स को दे दो, कुछ अपोलो को दे दो, कुछ रिलायंस को दे दो, कुछ किसी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी को दे दो, तो ये सारी बड़ी कंपनियां लाइन में लगी हुई हैं, एक एक करके इनको एक एक एरिया मिलने वाला है, वो एरिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो ये कहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसमें से रिटर्न लेंगे। रिलायंस की पॉलिसी है कि हम 1 रुपए लगाएंगे तो 3 रुपए लेने हैं हमको इसमें, नहीं तो हम 1 रुपया क्यों लगाएंगे। अपोलो की पॉलिसी है कि 1 रुपया लगेगा तो 4 रुपए लेंगे उसमें से। रेड्डीज लेबोरेटरी वाले कहते हैं कि 1 लगाएंगे तो 2.5 रुपए तो चाहिए कम से कम हमको रिटर्न के रूप में। माने अब तक जो चिकित्सा का कार्य, सेवा का कार्य था, वो अब व्यापार बनेगा, पूरी तरह से व्यापार बनेगा। दूसरा क्या होगा, सरकार ने कंपनियों को खुली छूट दे दी है कि जो दवाएं आप बाजार में बेचते थे और जिन पर सरकार के ऊपर से कंट्रोल था, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, आप जानते हैं डॉक्टर पाठक इस बात को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि एलोपैथी के डॉक्टरों को ये मालूम है, सरकार की तरफ से दवाओं के ऊपर कीमत का कंट्रोल है, नियंत्रण है, वो सरकार ने अब खत्म कर दिया, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर निकाल दिया, तो कंपनियों ने दवाओं के भाव 2 गुने, 3 गुने, 4 गुने बढ़ा दिए, कुछ कुछ दवाओं के भाव तो 100 गुने बढ़ गए, 100 टाइम्स बढ़ गए। कैंसर के ट्रीटमेंट की जो दवाएं आज से 3-4 साल पहले जिस कीमत पर थी, आज उनकी कीमत 3-4 गुनी, 5 गुनी तक बढ़ गई है, 500% दाम बढ़ गए, और बाजार में जो सस्ती दवाएं मिलती थी ना 10-20-50 पैसे की टेबलेट, वो सब गायब हो गए, सब आउट हो गए, और कंपनियों ने इतनी चालाकी किया है कि उनके थोड़े मॉलिक्यूल्स बदलकर वही दवाओं को नए नाम से डाल दिया है, लेकिन उसके दाम इतने बढ़ा दिए हैं कि आदमी खरीद भी ना सके, गरीब आदमी तो सोच भी ना सके।
पिछले तीन चार साल से मैं कुछ दवाओं का अध्ययन कर रहा हूँ। एक दवा है कोरेक्ट कफ सीरप, हर तीन महीने में इसका भाव बढ़ जाता है, हर तीन महीने में भाव बढ़ जाता है। और मैं चार साल में देखा है उसका भाव 650% बढ़ चुका है कोरेक्ट कफ सीरप का, 650%। अब जो कंपनी ये बनाती है उनको मैं 20वीं चिट्ठी लिख चुका हूँ कि आप मुझे इसका कारण बताइए कि हर तीन महीने में आप इसका भाव क्यों बढ़ाते हैं। कहते जी डिमांड बढ़ रही है, तो डिमांड बढ़ रही है तो भाव क्यों बढ़ा रहे हो इसका। तो कहते हमें मालूम है ये दवा क्या क्या काम में आ रही है। जो दारूराज लोग हैं ना वो भी पूरा घटाघट घटाघट पी रहे हैं, खांसी मिटाने के लिए तो पी ही जा रही है लेकिन दारू पीने वाले भी पी रहे हैं, तो वो भाव बढ़ाते जा रहे हैं, मुनाफा उनको मिल रहा है। कोरेक्स बनाने वाली कंपनी बोलती है कि हमारी 50 दवाओं के धंधे को बंद करके हमने ये कोरेक्स चालू कर दिया। तो कंपनी भी बाजार में उतरी है, व्यापारी बन के, अब उसके दिमाग में सेवा नहीं है, उसको पैसे कमाने हैं। और सारी बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां इसलिए आ रही हैं जैसे ये दरवाजे खुले हैं, तो कंपनियां व्यापारी, सरकार भी व्यापारी और डॉक्टर तो व्यापारी है ही, जो आप थोड़ी देर पहले स्वीकार कर चुके हैं। डॉक्टरों में व्यापार करने की प्रवृत्ति इतनी जबरदस्त हो गई है जिसका उदाहरण सुनो देखो तो शर्म से सिर झुक जाता है कि कोई बेचारा आ गया पेट के दर्द का मरीज, उसको दे दिया एनेस्थीसिया, लिटा दिया, किडनी काट के निकाल लिया, 2 लाख रुपए में बेच दिया। अब डॉक्टर के यहाँ जब किडनी काट के निकाल के बेच दिया 2.5 लाख रुपए में, वो मरीज सीधा साधा भोला भाला, उसको कुछ पता नहीं, उसने तो ये सोच के ऑपरेशन कराया कि पेट का दर्द ठीक होगा, मालूम नहीं है कि डॉक्टर ने किडनी काट के निकाली है। और उसको 10-12 साल पता भी नहीं चलता क्योंकि एक ही किडनी से काम चलता रहता है। 10-12 साल बाद पता चला, कोई डॉक्टर ने बताया तुम्हारी तो एक किडनी ही नहीं है, तब वो सोचता है कि ये गई कहाँ। तब वो बोलता है मैं किसी डॉक्टर के पास गया था, मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो निकाल लिया उस डॉक्टर ने, करूँ बच्चा, और बेच दिया उसने 2.5 लाख। इस लेवल के व्यापारी हैं डॉक्टर। व्यापार भी होता है ना, उसकी भी एक गरिमा होती है, ये तो गरिमा के भी नीचे उतरे हुए हैं। बेचारी कोई भी भोली भाली सीधी साधी गांव की महिला आ जाए गर्भावस्था में, बिना सीजर उसका अगर बच्चा पैदा हो जाए तो डॉक्टर मानता है कि मेरी तो नाक ही कट गई, जो नॉर्मल डिलीवरी हो गई। सीजर तो होना ही चाहिए, जबरदस्ती होना चाहिए, कंपल्सरी होना चाहिए। तो डॉक्टर व्यापारी, सरकार व्यापारी, कंपनियां व्यापारी, फंस गया तो ये बेचारा कस्टमर, या आप उसको कहिए ग्राहक, या अच्छे शब्दों में कहिए भारतीय नागरिक, जो देश का नागरिक है, वो तीनों व्यापारियों के बीच में फंस गया। वो कहे वो इलाज कैसे कराए, चिकित्सा कैसे पाए। इस विषय पर डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ घंटों हम लोगों ने मगजमारी की। जब उनका सर्वे खत्म हुआ ना तो उन्होंने दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई थी देश भर के लोगों ने, मैं भी चला गया उसमें, मुझे भी बुला लिया कि अब बताओ क्या करेंगे, सरकार तो ये बंद कर देंगे। और वो मुझे कह रहे थे कि अगर मैं भी प्रधानमंत्री हो जाऊं तो मैं भी यही करूंगा, क्योंकि WTO की कंडीशन है, WTO में अगर हम हैं तो हमको ये मानना ही पड़ेगा, या तो हम WTO छोड़ें, समझौता रद्द कर दें, तो फिर रास्ता हमारे लिए खुला है। उतनी ताकत अभी हिंदुस्तान के किसी नेता में नहीं है कि वो WTO छोड़ दें, कम्युनिस्ट नेताओं में भी नहीं है, उनसे भी बात करके हमने देख लिया। तो बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल, CPM, CPI सब WTO के साथ में है, माने कोई भी प्रधानमंत्री आ जाए, मनमोहन सिंह को हटा दो, किसी को भी ला दो, वो WTO की शर्तें आने ही वाली हैं, तो सरकार को इसमें से जाने ही वाली है। तो ये तीनों क्षेत्रों का 100% प्राइवेटाइजेशन होने ही वाला है। प्राइवेटाइजेशन का एक ही मतलब है, जिसके पास पैसे हैं उसको चिकित्सा मिलेगी और जिसके पास पैसे नहीं है उसको कुछ नहीं होने वाला, वो मरेगा बिना दवा के। तो हमारी चिंता ये है कि जिसके पास पैसे नहीं है उसका क्या होगा, इस चिंता में ये परिचर्चा आयोजित हुई है। और ये यहाँ पहली बार हुई है, ऐसा नहीं है, देश भर में मैं जगह जगह ये परिचर्चा कर रहा हूँ पिछले 1.5-2 साल में। सभी 35 के डॉक्टरों को बुलाना, उनके साथ बैठना, दिमाग लगाना, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन करना, कुछ रास्ता निकालो इसमें से। तो कहते एक ही रास्ता है राजीव भाई, ये WTO रद्द करा दो। अब WTO रद्द करने के लिए भी तो हम हिंदुस्तान में कोई बड़ा अभियान चलाएं, लाखों करोड़ों लोगों को जन जागृति करके खड़ा करें सरकार के खिलाफ, वो मजबूर करें तो सरकार WTO कैंसिल करे, उसमें जितना समय लगेगा मुझे अंदाजा है, क्योंकि गांधी जी को इस देश को खड़ा करने में 45 साल लग गए, जबकि उनकी तपस्या हमसे कई गुनी ज्यादा।
उनकी तपस्या इतनी बड़ी थी कि अफ्रीका के हीरो होके आए थे इस देश में, तब भी 30 साल लग गए। 1915 से काम शुरू किया था और 1945 में जाके थोड़ा परिणाम दिखाई दिया था कि हाँ भारत आजाद हो सकता है। हम तो उनकी चरणों की धूल के बराबर नहीं, ना हमारी इतनी तपस्या है ना इतनी तेजस्विता है। तो गांधी जी को देश खड़ा करने में इतने साल लग गए तो हमको कुछ समय तो लगेगा, WTO रद्द कराना हो और जो कराना हो। तात्कालिक क्या किया जाए, तब दिमाग में एक प्रश्न आया, उसका समाधान अभी उनके व्याख्यान से हुआ। पांडे जी ने जो बोला ना कि इस भारत में जो चिकित्सा ले सकते हैं 33 करोड़, उनको जो मर्जी है वो करें, तो एलोपैथी में जाएं, होम्योपैथी में जाएं, आयुर्वेद में जाएं, नेचुरोपैथी में जाएं, रामदेव बाबा के पास जाएं, मुरारी बाबू, कहां जहां जाना है जाएं, 33 करोड़ है उनके पास पैसे है, तो जहां जाना हो जाएं। लेकिन हमारी समस्या उन 77 करोड़ की है, वो क्या करें? या तो आप उनको छोड़ दीजिए कि वो ओझा के पास जाएं, दुनिया के पास जाएं और ओझा और दुनिया उनका जो करना है करें, तो फिर हम रोएं क्यों उनके लिए? और या उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें? तो हम लोगों के दिमाग में एक बात आ रही है कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था अगर उनकी करनी हो, एक विकल्प तो ये है कि वो मरे मरे हमसे क्या लेना देना, एक है कि नहीं उनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था हम कर सकते हैं क्या, तो फिर हम सब मिलकर बैठे और कोई ऐसा रास्ता निकालें कि ये 77 करोड़ लोग अपने जीवन में कभी बीमार पड़े तो कुछ तो ऐसा करें कि उनका कुछ रास्ता हो जाए, समाधान हो जाए। इस दृष्टि से ये परिचर्चा है। अब इसमें क्या हो सकता है, पांडे जी का व्याख्यान में बड़े गौर से सुन रहा था तो उनकी ये बात मेरे समझ में आई कि देखो भैया, आयुर्वेद तो जीवन शैली है, ये चिकित्सा व्यवस्था नहीं है, ये जीवन शैली है। तो क्या ये आयुर्वेद की जीवन शैली उन 77 करोड़ लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं कि भैया तुम ये जीवन शैली में आ जाओ तो तुम्हें पैसे खर्च करने ही नहीं पड़ेंगे? ये है बात। अगर हम आयुर्वेद को जीवन शैली मानते हैं कि ये जीवन जीने की कला है, ये हमारी जीवन शैली है, ये प्रकृति और मनुष्य के आपसी संबंध पर आधारित है, अगर प्रकृति 5 तत्व की है तो मनुष्य भी 5 तत्व का है, तो मनुष्य और प्रकृति के आपसी संबंधों पर आधारित अगर ये जीवन शैली है तो हम क्या इस जीवन शैली को 77 करोड़ लोगों तक पहुंचा सकते हैं? ये है छोटी सी बात। मुझे लगता है कि शायद पहुंचा सकते हैं। कैसे पहुंचा सकते हैं? मान लीजिए हम सब एक साथ मिलकर बैठे और एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन करें और ये ध्यान रखें कि भारत के मनुष्य की जीवन शैली में कहां टूट आई है, कहां रुकावट आई है जिसके कारण वो बीमार पड़ रहा है। अगर हम ये ढूंढ लेते हैं तो हम शायद उसका समाधान उस तक पहुंचा सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि देख भैया, तेरी जीवन शैली में फिर ये गड़बड़ आई है, तो इस गड़बड़ को ठीक कर ले तो तू वैसे ही ठीक हो जाएगा, दवा की जरूरत ही नहीं है। तेरे पास भले पैसे नहीं है दवा खरीदने के, तू जीवन शैली कैसे जीनी है वही सीख ले। मान लीजिए इस जीवन शैली के कुछ प्रमुख तत्व है, तो वो प्रमुख तत्व 1, 2, 3, 4, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 हम लिख डालें, सरल भाषा में उनके पत्रक बनाए, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, बांग्ला, आसामी, सब भाषाओं में बनाए, करोड़ों की संख्या में इस देश में दानवीर हैं, उनके पास जाएंगे, भैया 10,000 पत्रक आपके नाम से, 20,000 आपके नाम से, 1,00,000 आपके नाम से, 2,00,000 आपके नाम से, नीचे लगे तो लाइन दे दो, नहीं तो ऐसे ही बोल दो। तो ऐसे अगर करोड़ 2 करोड़ पत्रक हम छपा के उन लोगों तक पहुंचा सके जिनकी जीवन शैली हमारे आयुर्वेद की जीवन शैली से मिल जाए तो शायद उनका समाधान इसमें से हो जाए। इसमें हम सब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। मान लीजिए आयुर्वेद कुछ बताता है, यूनानी कुछ बताता है, होम्योपैथी वाला भी कुछ बता सकता है कि ये चीज इसमें डाल दो, और एलोपैथी वाले भी कुछ बता सकते हैं कि हाँ हाँ ये चीजें कुछ इसमें आ जाए, तो वो एक कंप्लीट बन जाए। और वो 1 पन्ने का हो, 2 पन्ने का हो, 4 पन्ने का हो, 10 पन्ने का हो, और वो हम छपा के निशुल्क बिना किसी शुल्क के करोड़ों की संख्या में स्थानीय भाषाओं में उन तक पहुंचाएं जिनको उसकी जरूरत है, और पहुंचाने का काम करें उसके साथ साथ उस पर उनसे संवाद हो। जैसे गांव गांव में राम कथाएं होती हैं, ठीक है बहुत अच्छा है, महाभारत की कथाएं होती है, 60 साल से चल रही है राम की कथाएं, महाभारत की कथाएं, मैं भी बचपन से सुनता रहा हूं, आप सब सुनते रहे हैं। तो ये राम कथा कहने वाले और कृष्ण कथा कहने वालों को कहा जाए भैया ये स्वास्थ्य की कथा भी कह दो जरा इसमें,
राम की कथा वो सुनते हैं, पता नहीं दूसरे राम पैदा होंगे होंगे भी नहीं होंगे, कृष्ण की कथा सुन रहे दूसरे कृष्ण होंगे होंगे भी कि नहीं होंगे मालूम नहीं है, लेकिन ये स्वार्थ की कथा कह दिया तो उसका जीवन तो सुखी हो जाएगा। तो हमारे आजादी बचाओ आंदोलन और हिंदू स्वराज अभियान की ये तैयारी है कि अगर आप जैसे विशेषज्ञों की मदद से हमारे पास ऐसी कुछ सामग्री आ जाए जो 2-4-5-10-20 पन्नों में छप जाए, स्थानीय भाषाओं में ट्रांसलेशन की गारंटी हमारी है, देश भर में भीख मांगेंगे उसको छापने के लिए वो भी जिम्मेदारी हम लेते हैं, पहुंचाएंगे भी हम, लेकिन वहां तक वो बात पहुंच जाए, उसको ये मालूम हो जाए कि जीवन में ये करने से मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। और इस विषय पर पिछले 2-3 वर्षों से मैं जितने विशेषज्ञों से मिला, जैसे एलोपैथी के कई विशेषज्ञ मुझे बोलते हैं कि राजीव भाई 90% बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर 90% बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं तो वो बिना दवा के ठीक हो सकती है। 90% अगर 90% बीमारियों को बिना दवा के एलोपैथी वाले ठीक कर सकते हैं तो फिर आयुर्वेद वाले पीछे क्यों रहे, होम्योपैथी वाले पीछे क्यों रहे, यूनानी वाले क्यों रहे, और ये सब मिलके हो सकता है सबको ही ठीक कर ले, 1% छोड़ के एक्सीडेंटल केसेस को छोड़ दिया जाए तो हो सकता है सभी को ठीक कर ले, सभी के पास कुछ ना कुछ विशेषज्ञता है। तो आप सब विशेषज्ञों की मदद से हमको एक पत्रक बनाना है, देखिए ये आज की परिचर्चा का मूल उद्देश्य ये है, एक पत्रक बनाना है, चाहे बुकलेट कहिए चाहे पत्रक कहिए, वो हमें इस हिसाब से बनाना है कि 77 करोड़ लोग जो कोई दवा नहीं खरीद सकते इस देश में और 2009 के बाद खरीद भी नहीं सकेंगे उनका क्या होगा, उस दृष्टि से हम वो बनाएंगे और उसमें 10-20-50-100-200 बातें लिखे, लिखने के बाद उन तक उनकी भाषा में पहुंचाए। तो राम कथा कहने वालों की मदद से कि भैया ये स्वास्थ्य कथा कह दो, महाभारत कथा कहने वालों की मदद से ये थोड़ी सी कथा कह दो, मुरारी बाबू को मैं जाके कभी भी निवेदन करूंगा वो मान जाएंगे कि 10 मिनट इसी पे बोल दो, आसाराम बापू को कहूंगा आप भी बोल दो, रामदेव जी को बोल ही रहे हैं, ऐसे जैन संतों से हम कहें, जैन संतों के कई संप्रदाय हैं, दिगंबर हैं, श्वेतांबर हैं, मूर्ति पूजक हैं, डेरावासी हैं, उनको हम कहें, इस्लाम को मानने वाले जो उनके उलेमा हैं, मौलाना हैं, जो रोज मस्जिद में व्याख्यान देते हैं, हर शुक्रवार को तो मैंने सुने ही है कि बड़ी बड़े व्याख्यान होते हैं, उनसे तो भैया ये स्वास्थ्य कथा भी कह दो थोड़ी सी जो उसकी जिंदगी चलाने में मदद करती है। तो इस्लाम में या हिंदुओं में जो भी मुख्य है, जो समाज को कभी कभी दिशा देने का काम करते हैं, उनकी मदद से यही सब पत्रकों में लिखी हुई बातें रोज 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 बोलना सुनना बोलना सुनना, तो ये बैठ जाएगी दिमाग में, ये बैठ जाएगी तो शायद वो अपने स्वास्थ्य का खुद हल निकाल देगा। मुझे ऐसा लगता है कि भारत में 2009 के बाद चिकित्सा की शायद इतनी जरूरत नहीं, चिकित्सकीय ज्ञान की थोड़ी जरूरत हो सकती है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं चाहिए, हेल्थ एजुकेशन चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज जितनी है आगे भी बढ़े ठीक है चलती रहे, लेकिन हेल्थ एजुकेशन अगर मिलने लगे और सरल आसानी से मिलने लगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा काम हम कर पाएंगे। और संकट के समय में समाज की किसी समस्या का समाधान अगर हम नहीं दे पाए तो सभ्यता हमारी बेकार है। संकट आ रहा है हम देख रहे हैं 3 साल के बाद, अगर इस संकट में हम इस समस्या का कोई समाधान दे पाते हैं, वो आयुर्वेद की मदद से हो, यूनानी की मदद से, होम्योपैथी, एलोपैथी, प्राणायाम, नेचुरोपैथी, किसी की भी मदद से हो या सबकी मदद से हो, तो हमारी तो इच्छा हो है कि हम इस समाधान की तरफ बढ़े। आप सभी रायपुर के निवासी यहाँ हैं, सुधी हैं, थोड़ा भी अगर आप इसमें कुछ मदद कर सकें तो करें। क्या मदद कर सकते हैं, मान लीजिए हम ये 20 पन्ने की एक पुस्तिका बनाते हैं या 10 पन्ने की बनाते हैं, तो इसमें ज्ञान के रूप में क्या डालना उसमें आप एक मदद कर सकते हैं, और ये बनने के बाद हम आपको दे दें कि भैया ये बन गई है, ये उसका मॉडल है, आप उसको 10,000, 20,000, 25,000 अपने नाम से छपाओ, अपनी संस्था के नाम से छपाओ और वहां बांटो जहां चिकित्सा पहुंचती नहीं। मुझे ऐसा लगता है, एक वैद्य जी को अभी मैं मिला पुणे में, उनकी उम्र 84 साल की है, उन्होंने मुझे कहा देखो तुमको अगर ये काम करना है तो उन्होंने मुझे कहा बाघ भट्ट की 2 पुस्तकें पढ़ो, अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह।
तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। अब वो पढ़ते पढ़ते मुझे उसमें से ऐसी अद्भुत बातें मिली हैं जो मैं मानता हूं कि अगर वही आदमी पालन करने लगे तो जिंदगी भर निरोगी रहे। उसमें से तीन चार बातें मैंने ले ली। एक जगह बाघ भट्टी जी लिखते हैं संस्कृत में, बड़ी सुंदर बात है कि ऐसा कोई भी भोजन मत करो जिसको सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श नहीं हुआ। सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श नहीं हुआ हो ऐसा कोई भी भोजन मत करो तो स्वस्थ रहोगे। तो जिस दिन मैंने ये पढ़ा, आज से दो साल पहले की बात है, मैंने दो साल से सोचना शुरू किया कि ये चक्कर क्या है सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श। तो बहुत दिन के बाद समझ में आया कि फ्रिज में रखा हुआ भोजन मत करो, क्योंकि फ्रिज एक ऐसी चीज है जिसको ना सूर्य का प्रकाश मिलेगा ना पवन का स्पर्श मिलेगा। तो मैंने दो साल से फ्रिज की चीजें खाना बंद कर दिया और उसका मुझे अपने जीवन में इतना लाभ हुआ है जो मैं किसी को भी जोर जोर से चिल्ला के बोलता हूँ कि भैया फ्रिज का पानी कभी मत पीना। फ्रिज की रखी हुई कोई चीज मत खाओ। मेरे यूरोप और अमेरिका में बहुत दोस्त है क्योंकि मैं बहुत घूमता रहा, मैंने उनको भी बोलना शुरू किया और उनकी भी समस्याएं हल हो रही है। मैं जब भी यूरोप जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उनकी एक बहुत भयंकर समस्या है। कोई भी यूरोपियन और अमेरिकन आदमी सवेरे जब टॉयलेट रूम में जाता है तो एक घंटे के पहले बाहर ही नहीं आता, एवरेज कभी कभी दो घंटे। और उनको पूछो भैया करते क्या हो तुम दो घंटे टॉयलेट रूम में, तो कहते जी न्यूज पेपर पढ़ते, मैगजीन पढ़ते। क्यों पढ़ते? स्टूल पास नहीं होता, पेट साफ नहीं होता, कई बार कहते जोर लगाते फिर भी नहीं, गाना भी गाते मेरे सपनों की रानी कभी आएगी आती नहीं, दो दो घंटे बैठते हैं। और उसका दुष्परिणाम यह है कि उनके मुंह से बदबू आती है, शरीर में से बदबू आती है। शरीर की बदबू को छुपाने के लिए डिओडोरेंट स्प्रे करते हैं, मुंह की बदबू को छुपाने के लिए माउथ फ्रेशनर स्प्रे करते हैं। तब समझ में आया कि ये उनकी मजबूरी है, स्टेटस सिंपल नहीं। फिर मैंने कहा फ्रिज का पानी बंद कर दो और किया और सातवें दिन से पेट साफ होने लगे। तो मुझे लगा अष्टांग हृदय में बाघ भट्ट का लिखा हुआ एक सूत्र शायद करोड़ों लोगों की मदद करे। तो इस तरह की कोई एक छोटी सी पुस्तिका बने, पैम्पलेट बने, हम सबकी मदद से करोड़ों तक पहुंचे, इस दृष्टि से ये गोष्ठी का आयोजन है। हम इसमें जो कर सके करें, इसी भावना के साथ आभार, धन्यवाद। मगर यहाँ पर कुछ व्याख्यान सुना, सब कुछ सुनने के बाद एक मन में आशा हुई कि मैं भी अगर कुछ चाहता हूँ और जानता हूँ उसे भी मैं यहाँ बोल दूँ। मन में ऐसा ना हो कि मैं कुंठित रह जाऊँ कि मैं कुछ आ ही नहीं पाया। मैं अपने छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन में इसलिए जुड़ा कि मैं बचपन में सुना करता था जब ट्रेनों में या बसों में या कहीं सफर करने जाते थे, मैं जाता था अपने बुजुर्गों के साथ, तो रायपुर शहर को लोग इसलिए जानते ही नहीं थे, उसको बताना पड़ता था भैया ये विद्याचरण शुक्ल का लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ से वो चुनाव जीतते हैं, आसपास के व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ी चीज थी वो। यहाँ पे टेलीविजन भी था उनके मार्फत आया और एक भिलाई स्टील प्लांट जो इस क्षेत्र की महान उपलब्धि थी, उस भिलाई के नाम से मुझे रायपुर बताना पड़ता था। इस जिज्ञासा को मैंने समाप्त किया इस तरह बचपन में, और उसके बाद जब एक सबसे वहां तक पहुंचा, क्योंकि वहां पे आनंद कुमार, उदय राम सिंह चौहान, प्रेम शंकर जी बोटिया, आकाश शर्मा वगैरह वगैरह महान नेतागण थे, हरि ठाकुर साहब का मुझे विशेष आशीर्वाद मिला और मैंने प्रण किया कि अपनी दुकान पर वापस तब आगे बैठ जाऊंगा जब तक छत्तीसगढ़ राज्य को शांतिपूर्वक ऐसी दृष्टि से भोटिया की कोऑर्डिनेशन करें, भगवत जी से तैयार हो जाए।
वो भी हुआ अलग अलग जगह तो यहाँ का भी आ जाएगा तो वहाँ का भी आ जाएगा मिलकर दूर हो जाए कुछ ऐसे फलोवर हो जैसे बोलते ना पैर गरम पेट ये सब चीजें सही हो जाए फलोवर तो देने पड़ेगी काफी देना तो आठ दस दिन मिलते रहेंगे तो आपके जो पिछले बार जो मैंने वापस लिए लैंग्वेज की आपको काट दी है ऐसी गाय माता भी